हेलो डियर फीजू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोज कंसेप्ट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, टेंस। ठीक है, तो टेंस क्या होता है? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन, और कहीं कहीं आपको नर्व स्टिमुलेशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी टेंस का फुल फॉर्म ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन भी होता है। ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब होता है थ्रू द स्किन। ठीक है, तो स्किन के थ्रू जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, टेंस उसको स्टिमुलेट करता है ताकि पेन को रिड्यूस कर सके। टेंस को बेसिकली हम पेन को रिलीफ करने के लिए यूज़ करते हैं, और टेंस जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट के अंडर होता है। ठीक है, टेंस इज अ सिंपल नॉन इन्वेसिव एनाल्जेसिक टेक्निक। ठीक है, नॉन इन्वेसिव एनाल्जेसिक टेक्निक का मतलब होता है बिना चीर फार किए जो टेक्निक पेन में रिलीफ कर दे, उसी को बोलते हैं नॉन इन्वेसिव एनाल्जेसिक टेक्निक। ठीक है, यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय फिजियोथेरेपिस्ट इन क्लिनिकल सेटिंग्स टू रिड्यूस पेन ऑफ एनी ऑरिजिन। ठीक है, और एनाल्जेसिक टेक्निक को फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो अपने क्लिनिकल में बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं किसी भी टाइप के पेन्स को ट्रीट करने में, चाहे वो पेन कैसा भी हो, चाहे किसी को बैक पेन हो या फिर किसी को अर्थराइटिस हो, तो उसको पेन रिलीफ करने में फिजियोथेरेपिस्ट यूज में लेते हैं किसको, टेंस को। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पल्स्ड रेक्टेंगुलर मोनोफेजिक बाईफेजिक करंट विथ द पल्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो टेंस जो होता है ये पल्स फॉर्म में वर्क करता है। ठीक है, पल्स फॉर्म का मतलब क्या होता है? पल्स फॉर्म का मतलब आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, पल्स फॉर्म का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए चलेगा और कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, फिर ये कुछ टाइम के लिए चलेगा, फिर ये कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा। अब ये जो टेंस होता है ये मोनोफेजिक भी हो सकता है और बाईफेजिक भी हो सकता है। ठीक है, मोनोफेजिक का मतलब होता है कि ओनली वन फेज में करंट जो होता है वो रन करेगा। ठीक है, वन डायरेक्शन में करंट रन करेगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव में। और बाईफेजिक का मतलब होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में करंट जो होगा वो रन करेगा, मतलब पॉजिटिव की ओर भी और निगेटिव की ओर भी। ठीक है, और इसका पल्स ड्यूरेशन जो होता है वो 50 to 200 माइक्रोसेकेंड होता है, फ्रीक्वेंसी 1 to 120 हर्ज होता है, और हाईली फ्रीक्वेंसी इसका 200 हर्ज जाता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब आप समझिए अब कि फ्रीक्वेंसी होता है क्या है। फ्रीक्वेंसी जो होता है कि एक सेकेंड में कितना स्टिमुलेशन जाएगा। ठीक है, यानी किसी पेशेंट को अगर हम टेंस दे रहे हैं, ठीक है, अगर उसका हम लोग 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी हम लोग फिक्स किए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड में उसको 60 स्टिमुलेशन मिलेगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पीक करंट जो होता है वो होता है 50 mA से 100 mA तक। ठीक है, और जब हम इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पल्स ड्यूरेशन इस सबको सेट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसे पेन कहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, तो पेन वाले सरफेस एरिया पे हम इलेक्ट्रोड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम आगे आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के होते हैं और इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसे हम लोग, मतलब कैसे पेशेंट पे उसको उसके सरफेस पे हम लोग फिक्स करते हैं। ठीक, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं टेंस के हिस्टोरी को। ठीक है, हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल बातें कुछ समथिंग। ठीक है, ऑल्दो द रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर पेन मैनेजमेंट हैज बीन एक्नॉलेज्ड फॉर मेनी सेंचुरीज। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो पेन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पेन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है,
पर ज़्यादा प्रोग्रेस जो हुआ है वो इन कुछ सालों में हुआ है, ठीक है। जब मतलब अच्छे से प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय तक हम पेन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे पेन रिलीव करने में। हो तो रहा था लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं जितना कि आज हो रहा है, ठीक है। फॉलोइंग द इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेन मैकेनिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, जब हम पेन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिए तब एक स्मॉल पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस को बनाया गया, और इसी डिवाइस को क्या कहा गया, और इसी डिवाइस को टेंस कहा गया, ठीक है। और टेंस के हेल्प से अब नहीं भी मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उसका इंटेंसिटी जितना मन करे उतना दे करके, उसका फ्रिक्वेंसी सबसीड करके कितना स्टिमुलेशन देना है, इन सारों को कंट्रोल कर सकते हैं कब, जब हम पेन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। कुछ साल पहले यानी मिड 1960 आवर नॉलेज ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन हैज़ एक्सप्लेन, ठीक है। इन 1960 के मिड में हम पेन के न्यूरोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझ चुके थे, ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका था, ठीक है। तब टेंस का इस्तेमाल करना काफ़ी इजी हो गया था हमारे लिए, ठीक है। तब हम इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से उसका बेनिफिट ले पा रहे थे, ठीक है। और जो पेन गेट थ्योरी जो होता है, टेंस किस पे वर्क करता है, तो टेंस जो होता है वो पेन गेट थ्योरी, जिसको गेट कंट्रोल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, थीके? वो इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को किसने दिया था, इस प्रिंसिपल को मिल जैक एंड वॉल नाम के साइंटिस्ट दिए थे इन 1965, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टेंस और एनी अदर पेन रिलीविंग मॉडलिटी अचीव्स इट्स इफेक्ट, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर ऑर्डर में समझेंगे कि टेंस या और कोई पेन रिलीविंग मॉडलिटी वर्क कैसे करता है, ठीक है। लेकिन टेंस को समझने के लिए हमें नोसिसेप्टिव पाथवे और न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोसिसेप्टिव पाथवे एंड द न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन। नोसिसेप्टिव रिसेप्टर से होता है, ठीक है, उसी के हेल्प से ये पूरा नोसिसेप्टिव पाथवे चलता है। इसका मतलब देखिए, जैसे कि पेन फील कैसे होता है, जब हमें कोई इंजरी होती है तो पेन फील तो होता है ना, उसका स्टिमुलेशन जाता है हमारे माइंड तक, यानी जो पेन के स्टिमुलेशन होता है उसके नर्व एंडिंग को ही क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के, तो हम आगे इसको हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है। और टेंस को समझने के लिए इसको पढ़ना तो ज़रूरी है ही, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझेंगे पेन गेट थ्योरी को, यानी पेन पाथवे को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टेंस के पैरामीटर्स को, ठीक है। तो जो टेंस का पैरामीटर्स होता है उसमें 5 चीज़ इंक्लूड होता है, कौन कौन, उसका वेव फॉर्म्स, फ्रिक्वेंसी, पल्स विथ, एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलेशन, ठीक है। इन पांचों पैरामीटर्स को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। वेव फॉर्म्स, तो वेव फॉर्म्स जो होता है, हम लोग जाने थे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो टेंस का जो वेव फॉर्म होता है वो मोनोफेजिक भी हो सकता है और बाईफेजिक भी हो सकता है, ठीक है। मोनोफेजिक का मतलब होता था कि उसका जो करंट का जो डायरेक्शन था वो ओनली वन डायरेक्शन में था, यानी सिर्फ पॉजिटिव में, और बाईफेजिक का मतलब था कि बोथ, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फेज में करंट का डायरेक्शन जो था वो रन कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पल्स के शेप के बारे में। तो जो पल्स का शेप होता है वो स्क्वायर शेप भी होता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर और साइन वेव लाइक कर्व लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जितने भी पल्स के शेप होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन में अलग अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनली अगर बात करें तो मेनली जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो यूज़ होता है वेव फॉर्म्स का,
तो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है वेव का, वो मेनली किस कंडीशन में यूज़ होता है? तो वो मेनली यूज़ हम लोग करते हैं हाइपर सेंसिटिव पेशेंट के लिए, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट का मतलब होता है हैविंग एक्सट्रीम फिजिकल सेंसिटिविटी टू पार्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, एज वेल एज पेन एसोसिएटेड विथ नर्व इंजरीज, ठीक है। और अगर किसी को नर्व इंजरीज के वजह से पेन हो रहा हो तो उसमें भी हम लोग रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ही देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर शेप का हम लोग यूज़ कब करेंगे? ट्रायंगुलर शेप का हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग रिकमेंडेड करते हैं इंटेंस और हाइपर इरिटेटिंग स्टिमुलेशन के लिए, ठीक है, एज डन इन एक्यूट पेन और फॉर द रेजिस्टेंट टिश्यू, ठीक है। ट्रायंगुलर हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब किसी को एक्यूट पेन हो। यहाँ पे अब एक्यूट की बात आती है, तो पेन हम लोग एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अगर कोई इंजरीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग एक्यूट पेन बोलते हैं, और वो जब लॉन्ग ड्यूरेशन में चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं। मतलब अगर हमें कोई चोट लगती है और वो बस कुछ मंथ तक रहता है, 1 से 2 मंथ तक, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं एक्यूट पेन में। और अगर उससे ज़्यादा, अगर वो पेन मतलब वो ठीक होने में उससे ज़्यादा टाइम ले फिर भी वो ठीक ना हो तो वो आ जाता है क्रोनिक पेन में, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप का हम लोग यूज़ करते हैं हाइपर इरिटेटिंग स्टिमुलेशन में और एक्यूट पेन में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में, जो क्या है? फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस कैन बी हाई और लो, ठीक है। जो टेंस का फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसका रेंज होता है 80 to 120 हर्ट्ज, ठीक है। तो और कभी कभी ये मैक्सिमम कितना जाता है? ये मैक्सिमम कभी कभी 200 हर्ट्ज तक जाता है, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूट कंडीशन में, या फिर जो रिसेंट इंजरी होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर कोई सर्जरी ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको तुरंत रिलीफ चाहिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत रिलीफ यानी इमिडिएट पेन रिलीफ के कंडीशन में हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस को देते हैं, ठीक है। और ये हमेशा उसको तुरंत ही पेन रिलीफ करेगा, लेकिन ये इमिडिएट पेन रिलीफ तो करता है लेकिन ये कुछ ही देर के लिए करता है, मतलब ये हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। बात करें अगर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस के बारे में, तो उसका जो रेंज होता है वो होता है 1 to 20 हर्ट्ज, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 to 20 हर्ट्ज हो सकती है। और ये हमेशा क्रोनिक पेन को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट जो होता है वो क्रोनिक पेन के लिए, या फिर कोई पेन जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी करंट को यूज़ करते हैं। और ये जो होता है ये भले ही इसका जो पेन लो फ्रीक्वेंसी देते हैं, लेकिन ये जो पेन रिलीफ होता है ये काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। अब थर्ड पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में बात करें तो वो क्या है? वो है पल्स विड्थ, ठीक है। पल्स विड्थ क्या होता है, ठीक है? पल्स विड्थ वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी पेशेंट को अगर ट्रीट कर रहे हों वेव फॉर्म को दे करके, यानी विथ द हेल्प ऑफ टेंस, तो वो कितना टाइम में हम उस टेंस को उस पेशेंट को दे रहे हैं, ये पूरे टाइम को हम लोग बोलते हैं पल्स विड्थ। इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम द करंट इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द पेशेंट इन इस इंडिविजुअल पल्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल पल्स किसी पेशेंट पे कितना देर के लिए वो एक्ट कर रहा है, कितना देर के लिए उस पेशेंट पे वर्क कर रहा है, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं पल्स विड्थ, ठीक है। द पल्स विथ ड्यूरेशन क्या होता है इसका? पल्स विथ का ड्यूरेशन जो होता है वो 50 to 400 माइक्रोसेकेंड होता है, मतलब ये एक रेंज है। कभी किसी पेशेंट में 100, तो किसी में 200, तो किसी में 60-70 यूज़ होता है, ठीक है। पल्स विथ ड्यूरेशन अलग अलग होता है। फॉर नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पल्स विथ इज सेलेक्टेड। अगर कोई नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर का केस है, मतलब नॉर्मल पेन है उसको, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम लोग पल्स विड्थ का जो पल्स विड्थ देते हैं वो होता है
100 से 150 के बीच में, ठीक है। ऐसे अगर रेंज के बारे में बात करें तो रेंज कितना होता है, 50 to 400। वो किस कंडीशन में, अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन है, कोई क्लिनिकल केस है, कोई किसी प्रकार के नर्व इंजरी है, उस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। लेकिन जनरली अगर एक नॉर्मल पेशेंट है तो उसमें हम लोग 100 to 150 माइक्रोसेकेंड ही यूज़ करते हैं पल्स विथ। फॉर पेशेंट्स विथ न्यूरोलॉजिकल डैमेज, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका न्यूरोलॉजिक डैमेज है, मतलब वो सेंस, उसका जो सेंसेशन है वो अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस पेशेंट को अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, ठीक है, तो उसको हम लोग हायर विथ ड्यूरेशन को हम लोग सजेस्ट करते हैं। वो कितना होता है, 200 to 300 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसको, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में, जो क्या है, मॉड्यूलेशन, ठीक है, एंड फिफ्थ पैरामीटर्स क्या है, एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, पेशेंट्स के सेंसेशन पे, ठीक है। मोस्ट टेंस यूनिट्स हैव एन एम्पलीट्यूड कंट्रोल रेंज फ्रॉम 1 mA to 100 mA, ठीक है। जो मोस्टली टेंस यूनिट जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास एम्पलीट्यूड कंट्रोल रेंज होता है, ठीक है। और वो रेंज कितना होता है, वो रेंज होता है 1 mA से 100 mA, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट पैरामीटर्स ऑफ टेंस, वो क्या है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है वेरिएशन इन आइदर पल्स ड्यूरेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पैरामीटर्स इन साइक्लिक फैशन। मतलब कि मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जितना भी, जैसे कि इसमें जितना भी पैरामीटर्स है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पल्स विथ वेव फॉर्म्स, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग देते हैं, ठीक है। और इन सारा को एक साथ अगर बात करें, जैसे कि वैरी तो करता है ना, किसी एक पेशेंट में अगर एक मान लेते हैं कि किसी में हमको वेव फॉर्म जो हुआ रेक्टेंगुलर देना है, फ्रीक्वेंसी हमको मतलब 80 Hz देना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक ये जो फिक्स होता है वो हर पेशेंट के लिए बिल्कुल फिक्स है। मतलब अगर एक पेशेंट न्यूरोमस्कुलर का है, उसमें अगर हम लोग उसको डैमेज है तो उसको हम लोग दे रहे हैं 200 Hz, ठीक है, यह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर इसको हम लोग दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। या फिर मान ले कि 150 Hz है, तो ऐसा तो नहीं है कि यही फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर पेशेंट के अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो होता है हमेशा वैरी करेगा, क्या फ्रीक्वेंसी, पल्स ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड, ये सब जो है वो अलग अलग पेशेंट में वैरी करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, ये हम बात किए पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे टेंस मोड, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टेंस के मोड को, ठीक है। देयर आर करंटली 4 टेंस मोड्स यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो फिलहाल अभी टेंस के 4 मोड को क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किए जा रहे हैं। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है हाई टेंस, जिसको कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं। सेकेंड लो टेंस, जिसको अकुपंक्चर टेंस भी बोलते हैं। एंड थर्ड ब्रीफ टेंस, एंड फोर्थ बर्स्ट मोड टेंस, ठीक है। ये 4 टेंस का मोड है जो फिलहाल अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फिजियोथेरेपी के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम हर एक मोड को एक एक करके अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मोड कौन सा है, हाई टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर कन्वेंशनल मोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाई टेंस जो होता है वो, हाई टेंस और लो टेंस जो नाम है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पड़ा है, ठीक है। अगर जिस टेंस की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसको हाई टेंस भी बोलते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है उसको लो टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसका इंटेंसिटी जो होता है वो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। हाई टेंस में फ्रीक्वेंसी हाई होता है और उसका इंटेंसिटी जो होता है वो लो होता है, ठीक है। जब हम
इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाइड करते हैं पेशेंट पे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होता है वो इम्पल्स को काउज करता है, ठीक है। देन जो इम्पल्स होता है वो किसके अलोंग कैरिड होता है, तो वो अपफ्रंट फाइबर्स के अलोंग कैरिड होता है, ठीक है। तो अपफ्रंट फाइबर्स होता है क्या है, हम जानते हैं कि अपफ्रंट फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कहाँ से, सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द स्किन, मतलब अगर किसी प्रकार के हमारे स्किन पे कोई इंजरी होती है तो वहाँ से जो सेंसरी रिसेप्टर होता है वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। और ये जो अपफ्रंट फाइबर है उसके बाद क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम तक उसको पहुँचाता है, उसके साथ साथ वो प्रोड्यूस करता है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन को, ठीक है। तो ये जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है वो क्या होता है, तो जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है वो रेफर्स करता है एक ऐसे मैकेनिज्म को जो न्यूरोट्रांसमीटर को सप्रेस करता है और उसको रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन करता है किसका, नोसिसेप्टिव्स का। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो पेन का रिसेप्टर होता है उसके नर्व्स एंडिंग को नोसिसेप्टिव बोलते हैं और यही मैसेज पहुंचाता है हमारे नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट तक, और वहां से हमें पेन का सेंसेशन होता है या फिर बोल सकते हैं कि पेन फील होता है। और इसमें दो फाइबर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर, ठीक है। ये हम लोग जब पेन पाथवे पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सिंपल सा डिफरेंस होता है कि ये डेल्टा फाइबर जो होता है वो माइलिनेटेड होता है और ये जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है। और फिजियोलॉजी में हम पढ़े हैं नर्वस सिस्टम में कि माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, माइलिन शीथ का फंक्शन होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी से पहुँचाना, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो जल्दी पहुँचाता है, ठीक है। माइलिन शीथ हाई फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ ट्रेंस, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो इंटेंसिटी वाला मोड जो होता है ट्रेंस का वो सबसे ज़्यादा यूज्ड में लिया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, ठीक है। इट इज अफेक्टिंग इन मॉड्यूलेटिंग एक्यूट पेन, ठीक है। और हाई ट्रेंस का यूज्ड सबसे ज़्यादा एक्यूट पेन कंडीशन में ही होता है, ठीक है। द वनशॉट ऑफ पेन रिलीफ इज वेरी फास्ट, और हाई टेंस जब हम अप्लाइड करते हैं तो इस कंडीशन में पेशेंट को पेन में जो रिलीफ होता है वो बहुत ही जल्दी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेन रिलीफ है वो बहुत ही कम समय के लिए ही मिलता है, ठीक है। सेंसेशन अचीव्ड इज कम्फर्टेबल पैरेस्थेसिया विथ नो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हम पेशेंट को हाई टेंस द्वारा ट्रीट करते हैं तो पेशेंट जो होता है वो पैरेस्थेसिया फील करता है, ठीक है। पैरेस्थेसिया मतलब कि होता है टिंगलिंग सेंसेशन एंड नीडल लाइक सेंसेशन, वो टिंगलिंग सेंसेशन को फील करता है लेकिन वहाँ पर कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी हाई टेंस में हमेशा इंटेंसिटी लो होता है, तो लो इंटेंसिटी के वजह से इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। और पैरेस्थेसिया यानी उसको टिंगलिंग सेंसेशन भी उतना ही होता है जितना में वो पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो इससे, ठीक है। द स्टिमुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है, स्टिमुलेशन पैरामीटर्स का मतलब हम इतना तो जान लिए कि कन्वेंशनल टेंस में हाई फ्रीक्वेंसी होता है, लो इंटेंसिटी होता है, लेकिन वो कितना होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होता है वो लो होता है, कितना होता है वो होता है 12 to 30 मिली एम्पियर, ठीक है। और जब इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, तो लो इंटेंसिटी की वजह से पैरेस्थेसिया प्रोड्यूस होता है, मतलब कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और उसे टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, ठीक है। ये है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी जो टेंस मोड है या फिर बोल सकते हैं हाई टेंस और कन्वेंशनल टेंस का ग्राफ, ठीक है।
हाई टेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वेंशनल टेंस या हाई टेंस के अंदर क्या होता है, लो इंटेंसिटी होता है, ठीक है। और लो इंटेंसिटी हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि जो मैकेनो रिसेप्टर जो होता है उनका लार्ज डायमीटर होता है, इस वजह से इजीली वो लो इंटेंसिटी के ऊपर भी एक्टिवेट हो जाता है, पेन को रिलीफ करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए इसमें हम लोग इंटेंसिटी को क्या रखते हैं, इंटेंसिटी को लो रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो हाई टेंस में हमेशा फ्रीक्वेंसी हाई होता है, यानी कितना होता है, 80 to 120 हर्ट्ज। पल्स विड्थ कितनी होती है, तो पल्स विड्थ होती है 100 to 500 मिली सेकेंड, एंड पल्स ड्यूरेशन होता है 50 to 80 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को कितना दिन में ट्रीट कर देना है, वो ड्यूरेशन है, तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो है 20 to 60 मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, अब हम लोग बात करेंगे लो टेंस के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूपंक्चर टेंस, ठीक है। एक्यूपंक्चर टेंस को लो टेंस भी हम लोग कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है और इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी लो है और इंटेंसिटी हाई है, तो लो फ्रीक्वेंसी के कारण एक्यूपंक्चर टेंस को लो टेंस भी बोलते हैं, और हाई इंटेंसिटी के कारण आपको मसल्स में क्लियरली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा है, ठीक है। तो हाई टेंस जो था वो लो इंटेंसिटी पे अलग मैकेनिज्म के द्वारा पेन रिलीव कर रहा था, लेकिन लो टेंस में एक अलग मैकेनिज्म द्वारा हेल्प करेगा, उसमें मैकेनोरिसेप्टर से पेन रिलीफ हो रहा था, बट यहाँ पे डिसेंडिंग पेन सप्रेशन वाला मेथड से पेन को कम करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो पल्स ड्यूरेशन होती है वो भी लॉन्ग होती है, आप डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं, इसमें पल्स का दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था, कम था, ठीक है, इन द कंपेरिजन ऑफ लो टेंस। इसमें क्या है, इसमें पल्स का जो डिस्टेंस है, पल्स का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, 150 to 300 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। हाई इंटेंसिटी जो होता है, हम अभी देखें कि बताएं भी आपको कि हाई इंटेंसिटी के वजह से इसमें विजिबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और हाई इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 30 मिली एम्पियर, और इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है 30 to 40 मिनट्स। इसका मतलब है कि लो टेंस के द्वारा पेशेंट को 30 से 40 मिनट में ट्रीट कर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड शुड बी पोजिशन टू प्रोड्यूस विजिबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सेम थिंग है, जब हम लोग इलेक्ट्रोड से अप्लाई करते हैं लो टेंस को, तो हमें क्लियर देखने को मिलती है क्या, विजिबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्लियर देखने को मिल रही, और ये जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब जो भी हो रहा है वो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। द पेशेंट एक्सपीरियंस पैरेस्थीसिया एंड मसल स्ट्रेस, ठीक है। और लो टेंस में पेशेंट जो होगा वो पैरेस्थीसिया और मसल स्ट्रेस दोनों को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रीफ टेंस के बारे में, तो जो ब्रीफ टेंस होता है वो बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, और ये मेनली जो होता है वो सर्जरी के केस में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पेन में रिलीफ करता है, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए, ठीक है। ब्रीफ टेंस प्रोवाइड्स रैपिड ऑनसेट, मतलब ये बहुत ही जल्दी पेन में रिलीफ करता है, शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ, बट पेन तो जल्दी रैपिड तो हो रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इट इज गिवन इन वुंड डिबिड
डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी स्किन में वुंड लाइक वुंड या फिर बोल सकते हैं नेफ्रोसिस हो जाए, ठीक है, तो वो जो उंड होता है उस पर एक मतलब डेड टिश्यू आ जाता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए, वहाँ के स्किन को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो सर्जरी करते हैं, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, तो इसी पेन को रिलीफ करने के लिए ब्रीफ टेंस को यूज में लाया जाता है, ठीक है। और दूसरा, फर्स्ट तो डिब्राइटमेंट में, एंड सेकेंड होता है ज्वाइंट मोबिलाइजेशन में, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि ब्रीफ टेंस जो होता है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है, ठीक है। तो जो ब्रीफ टेंस होती है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा पेशेंट के टॉलरेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। कभी कभी ये पेशेंट को काफ़ी दर्द देती है, ठीक है। पल्स रेट जो होता है वो 125 से लेकर के 250 हर्ट्ज तक होती है। ये पल्स रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें पल्स ड्यूरेशन जो है वो है 200 से 250 माइक्रोसेकेंड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 15 मिनट्स, मतलब ये काफ़ी कम समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, काफ़ी समय कम समय के लिए, और फिर भी ये काफ़ी जल्दी पेन को रिलीव करता है, लेकिन टेम्पररी, ड्यूरेशन ऑफ पेन रिलीफ टेम्पररी, ठीक है। अब एक और मोड है टेंस का जो कि काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है, वो है बर्स्ट मोड। यानी हम बोल सकते हैं कि हाई टेंस के बाद सबसे ज़्यादा जो टेंस यूज में लिया जाता है वो है बर्स्ट मोड टेंस, ठीक है। और ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि लो टेंस जो होता है, लो टेंस में यूज में लिया जाता है, लेकिन पेशेंट लो टेंस से ज़्यादा बर्स्ट टेंस में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। तो जो बर्स्ट मोड ऑफ टेंस जो है उसको हम लोग पल्स टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और टेंस के बर्स्ट मोड को डेवलप्ड किया गया था किनके द्वारा, तो दो साइंटिस्ट थे, एरिक्सन एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये कब डेवलप्ड किए थे, तो 1976, ठीक है। इट प्रोवाइड पैकेजिंग ऑफ सेवरल स्टिमुलाई, ठीक है। बर्स्ट टेंस को बर्स्ट टेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर पैकेज के फॉर्म में बहुत सारा स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है, जो पेशेंट को दी जाती है, और वो कितना हो जाएगा स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई अप्रॉक्स 1 to 10 स्टिमुलाई जो होते हैं वो पेशेंट को दिया जाता है एक पैकेजिंग के फॉर्म में, ठीक है, एक पैकेज के फॉर्म में। पेशेंट इसको एक स्टिमुलाई की तरह सेंस करता है, ठीक है। हम पेशेंट को तो देते हैं अप्रॉक्स, मान लीजिए हम किसी पेशेंट को 4 स्टिमुलाई दे रहे हैं, 5 स्टिमुलाई दे रहे हैं, या फिर जो भी हो 1 to 10 के बीच में हम कितने भी स्टिमुलाई पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट इसको सेंस करता है एक स्टिमुलाई की तरह, ठीक है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि हमें एक ही स्टिमुलाई दिया जा रहा है, ठीक है। इट प्रोड्यूस मोर कम्फर्टेबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सो पेशेंट्स प्रीफर दिस मोड, ठीक है। और इसमें जो होता है पेशेंट्स को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो महसूस होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कम्फर्टेबल होता है। और एक बात बता दूँ कि बर्स्ट मोड में हमेशा फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और इंटेंसिटी भी हाई होती है, दोनों इसमें हाई होता है, ठीक है। फिर भी पेशेंट अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, ठीक है। करंट इज मोर टॉलरेबल देन लो टेंस, ठीक है। लो टेंस के कंपैरिजन में अगर बस टेंस की बात की जाए तो इसमें पेशेंट ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और वे ज़्यादा अच्छे से इसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, बर्स्ट टेंस के में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी, कितनी इंटेंसिटी, तो अभी हम आपको बताएं कि बर्स्ट टेंस में हाई फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 to 100 हर्ट्ज, मतलब कि एक सेकेंड में अप्रॉक्स इतना स्टिमुलाई एक पेशेंट को दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सीरीज में दिया जा रहा है, एक पैकेज के फॉर्म में दिया जा रहा है। भले ही पेशेंट को फील ना हो, एक बार में 4-5 स्टिमुलाई दिया जाता है, फिर एक गैप इंटरवल आता है, फिर हम 5 से 6 मतलब स्टिमुलस देते हैं, फिर एक प्रॉपर इंटरवल आता है। मान लीजिए कि एक बार में हम एक पैकेज देते हैं 4 का, ठीक, 4 स्टिमुलाई का, तो एक इंटरवल के बाद हम फिर 4 स्टिमुलाई का ही उसको करंट देंगे, ठीक है। तो हमेशा ये डिलीवर्ड इन पैकेट और बर्स्ट ऑफ 1 to 4 हर्ट्ज, ठीक है। पल्स ड्यूरेशन जो इसमें होता है वो होता है 50 to 200 माइक्रोसेकेंड, एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है 20 to 30 मिनट्स, मतलब लो टेंस और हाई टेंस के कंपैरिजन में इसका ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ पेन रिलीफ जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पेन रिलीफ का जो, मतलब अगर किसी को पेन रिलीफ हुआ तो वो पेन रिलीफ काफ़ी लंबे समय तक वो रिलीफ रहेगा उसका पेन, ठीक है। हम इसके ग्राफ से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये ग्राफ है किसका, बर्स्ट टेंस का, ये इंटेंसिटी है इधर और ये इंटेंसिटी है और इधर क्या है, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये बंच, मतलब कि एक पैकेज के फॉर्म में दिया जा रहा है, 3 स्टिमुलाई है, ठीक है, और इसका आप लेंथ देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी जल्दी जल्दी भी है और इसका लेंथ काफ़ी कम है, मतलब पल्स ड्यूरेशन भी मतलब कम है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, समझते हैं ना फ्रीक्वेंसी का मतलब, अगर 50 है तो मतलब एक सेकेंड में वो उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इसका ग्राफ में उतना ही ज़्यादा स्टिमुलाई का डायग्राम बनेगा, और ये अगर इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो इसका जो स्टिमुलाई का जो लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इधर इंटेंसिटी को डिनोट किया गया है और इधर टाइम इंटरवल को, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए टेंस के इंट्रोडक्शन को, टेंस के पैरामीटर्स को एंड उसके मोड को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेन पाथवे को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि टेंस को अच्छे से समझने के लिए पेन पाथवे को अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्ट। बाय बाय।